देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक बार फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी इस सदस्यता अभियान के जरिए अपने सदस्यों की संख्या में 9 करोड़ का इजाफा कर 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करना चाहती है। आज बीजेपी की मातृ संस्था जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप इस महत्वाकांक्षी अभियान में उतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजेपी आज 17 राज्यों में सत्ता की बागडोर संभाले हुए हैं और पूर्वोत्तर राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में भी उसने मजबूत किला बना लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60 करोड़ वोटों में से 50% से ज्यादा मत मिले। पिछले 35 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल या नेता को कभी भी 2 लगातार कार्यकाल के लिए ऐसा निर्णायक जनादेश नहीं मिला जो अपने आप में बीजेपी और उसके नायक और देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को जाहिर करता है। ऐसे में बीजेपी के लिए अब बस आसमान छूना ही बाकी रह गया है। रिपोर्ट देखिए। देश में बीजेपी का विजय अभियान कायम है। पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और पहले से भी मजबूत होकर उभरी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बीजेपी ने सभी बड़े राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत का डंका बजाया है। हालांकि इसके बावजूद भी पार्टी रुकी नहीं है और राजनीति में नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी प्रेरणा के स्रोत रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। अभियान का लक्ष्य पार्टी के सदस्य की संख्या को 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का है। इस अभियान की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। इससे पहले शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, काशी में मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। ये अभियान समाज के हर वर्ग के लोगों को बीजेपी परिवार से जोड़ेगा। यह हमारी पार्टी को मजबूत करेगा। काशी में पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वाराणसी को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाकर आनंद कानन अभियान की भी पीएम ने शुरुआत की। ये भी बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाना क्यों जरूरी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी की महासदस्यता अभियान की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। ये कार्यक्रम अमरत्व प्राप्त हमारी काशी में हो रहा है, यानी एक त्रिवेणी बनी है जिसे आशीर्वाद लेकर के हम सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। काशी के आप सभी कार्यकर्ताओं, देश भर के कार्यकर्ताओं को एक सफल सदस्यता अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। शाह ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में भाजपा संगठन पर 2019 सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी की पकड़ अपेक्षाकृत उतनी मजबूत नहीं है जितनी देश के दूसरे राज्यों में है, लिहाजा पार्टी यहां पर पैर पसारने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तेलंगाना के बहाने बीजेपी दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सदस्यता अभियान शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को गौरीगंज में पार्टी ऑफिस से सदस्यता अभियान शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी आज 17 राज्यों में सत्ता की बागडोर संभाले हुए है और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में भी उसने मजबूत किला बना लिया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित कुल 131 सीटों में से 77 सीटें मिली है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60 करोड़ वोटों में से
50% से ज्यादा मत मिले हैं। मिलेनियल्स वोटर्स यानी 2000 के बाद जन्म लेने वाले मतदाता और मोबाइल इस्तेमाल करने वाले युवाओं के बीच भी बीजेपी की लोकप्रियता को देखा जा सकता है। उन्होंने निर्णायक रूप से पार्टी और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। पहली बार वोट देने वाले 10 करोड़ मतदाताओं में से 50% से ज्यादा बीजेपी और मोदी के व्यक्तित्व से आकर्षित नजर आए। पिछले 35 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल या नेता को कभी भी 2 लगातार कार्यकाल के लिए ऐसा निर्णायक जनादेश नहीं मिला है जो अपने आप में बीजेपी और उसके नायक और देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को जाहिर करता है। ऐसे में बीजेपी के लिए अब बस आसमान छूना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज से अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत वाराणसी से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है और इस शुरुआत के साथ ही तमाम जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको भी अपने अपने एक अहम जिम्मेदारियां दी गई है। हर स्टेट में भेजा गया है, यानी कि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रही है। भले ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके अब बीजेपी चाहती है कि ये जो जीत की शुरुआत हुई है वो आगे रुके ना, लेकिन इस जीत की शुरुआत अगर ना रुके तो इसके लिए भी बहुत कुछ करना भी होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ है, सलाहकार संपादक है एपीएन के। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ है, राजनीतिक का विश्लेषक है। शबनम पांडे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी की। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकुल उनियाल जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। सबसे पहला सवाल मेरा शबनम जी आपका आपसे ही है, क्योंकि जिस तरह से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मोटिव है इसका? देखिए नेहा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने पहले ही जब हम चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा था कि अभी हम शिखर पे नहीं हैं, शिखर पे पहुंचने में देरी है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राष्ट्र की जनता ने जनादेश हमें दिया है, तो ऐसा महसूस होता है जनादेश से कि बहुत बड़ी संख्या में जनता आज भाजपा के साथ जुड़ना चाहती है, सदस्यता ग्रहण करना चाहती है। और हमारी पार्टी के इस अभियान, सदस्यता अभियान, मेगा सदस्यता अभियान में ये एक रणनीति बनाई गई है कि हर बूथ पे 20% से ज्यादा सदस्य को बनाना है और सभी पदाधिकारियों को सदस्य बनाना है, सभी मंत्रियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सबको सदस्यता अभियान में एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को बढ़ाना है, जो कि पहले 11 करोड़ था, अब 20 करोड़ हमारा लक्ष्य है। पर हम 20 करोड़ से ज्यादा का मानते हैं कि हम सदस्य बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहाँ 1,80,00,000 सदस्य हैं, आज प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे उत्तर प्रदेश के सदस्यता अभियान के प्रमुख JPS राठौर जी और तमाम मंत्रीगण वाराणसी में इस सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। शबनम जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि आपने कहा कि जनता जुड़ना चाहती है, अगर जनता जुड़ना चाहती है तो वो जुड़ लेंगी मिस कॉल मार के, तो फिर नेताओं को टारगेट क्यों क्या दिया गया है, क्यों बताया गया है कि आप इतने सदस्य बनाएंगे ही बनाएंगे, आपको एक टारगेट दिया जाता है, आप ये काम करेंगे ही करेंगे, ऐसा क्यों? नेहा जी देखिए, एक बात जानना होगा, आज राजनीति का दौर बदल चुका है। जो पहले परंपरागत राजनीति होती थी कि आप एसी कमरे में भी बैठ के बीच में, शुरुआत दौर पे ऐसी राजनीति थी जो आज के दौर में है। बीच में ऐसा दौर चला कि एसी कमरे में जनप्रतिनिधि से लेके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता बैठे रहते थे और सोचते थे कि जनता तो हमसे जुड़ेगी। पर देखिए, सदस्यता अभियान के बहाने हम जनता में अपनी पार्टी की विचारधारा बताते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं। अगर हम कोई भी अभियान चलाते हैं तो उसके बीच हमारा उद्देश्य यही होता है, जनता के मनोभाव को समझना, जनता के बीच रहकर जनता को अपने विचारधारा से जोड़ना।
तो ये एक अभियान की तरह होना चाहिए, देखिए एक आंदोलन की तरह होना चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता हमारे बीच रहे, ना कि वो मिस कॉल मार सकते हैं वो, लेकिन हम उनके सम्मान में उनके बीच में रहना चाहते हैं, उनके मनोभाव को जानना चाहते हैं और उनको अपनी विचारधारा बताना चाहते हैं। तो इसलिए सभी नेताओं को इसी बहाने ग्राउंड पे जाना और ग्राउंड पे जनता के बीच रहने का मौका मिलता है। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के, इस सदस्यता अभियान के क्या मायने आप समझते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना वर्चस्व मजबूत करने की कोशिश कर रही है? 14 जिले ऐसे हैं, 14 इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी का फोकस रहेगा, वहां पर सदस्यता अभियान को मजबूती से चलाया जाएगा, ऐसे में क्या वजह, क्या मायने आप इसके समझते हैं? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। जाहिर सी बात है कि लोहा गर्म है और ऐसे मौके पर अभी जो सत्ता अभियान चलाया जाएगा तो इससे यह है कि इनका कि मेंबरशिप हमको बढ़ाना है, सदस्य बढ़ाना है। किसी भी पार्टी के लिए उसका संगठन मजबूत हो इसके लिए जरूरी है कि उसके सदस्य भी हों, कार्यकर्ता भी हों। और यही वजह है कि जो पार्टियां आज कमजोर पड़ी हैं कि उन्होंने सीधे जनता से और कार्यकर्ताओं से संवाद छोड़ दिया, सदस्य नहीं बनाए। ठीक है, अब उसमें वो मर्जी से बनेंगे कि गैर मर्जी से बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं लोकसभा के, इतना भारी बहुमत मिला है तो ये सबसे इनके लिए ऐसा मौका था कि ऐसे मौके पर ही अभियान शुरू किया जाए। इसीलिए अभियान राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया है ताकि जिन राज्यों में अभी दक्षिण के राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है या प्रदेशों के जिन जिलों में पार्टी कमजोर है वहां पर सदस्यता अभियान चला करके नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में, अभी चार पांच राज्यों में चुनाव होना है अगले कुछ महीनों के बाद, फिर इसके बाद अगली तैयारी करना है, तो इनका उद्देश्य यही है कि अभी अभी चुनाव होने के बाद एक लोगों में भाजपा के प्रति एक अभी एक बनी हुई है कि हाँ पार्टी बड़ी है और चुनाव जीत के आई है, केंद्र में सरकार बनाई है, तो ऐसे में यही मौका उनके लिए बेहतर है कि ऐसे मौके पर वो अपना अभियान चलाएं और मेंबरशिप बनाएं। जाहिर सी बात है किसी पार्टी के लिए मेंबरशिप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होती है, क्योंकि अगर आपके सदस्य नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, जब आप चुनाव में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो आप कमजोर पड़ेंगे, जैसे कि और पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद केवल इसलिए चुनाव हारी कि उसका जनता से, उसका कार्यकर्ताओं से उसकी दूरी बनी, उसके सदस्य जो थे हतोत्साहित हुए और दूसरी पार्टियों की ओर मुड़े। वो यही वजह है कि बीजेपी ने मौका ये देखा है कि चुनाव के बाद ये सही मौका है कि जब अपनी मेंबरशिप शुरू करे और लोग उससे जुड़े तो ये उसका इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी ने मौके को भांपते हुए एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है? ये तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि अभी कर रही है, वो चुनाव जीतने के बाद या सरकार बनाने के बाद ये उन लोगों में से नहीं है जो बैठे हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद मंत्रियों ने उसी दिन जाकर के, जिस दिन घोषणा हो गई, जाकर के कार्यालय में अपना कार्यभार लिया और दूसरे दिन ही 100 दिन की योजना पे लग गए कि 100 दिन के हमें सरकार को क्या करना है। ये बीजेपी थोड़ा अलग हटके अन्य पार्टियों की तरफ से कर रही है। किसी जमाने में इंदिरा गांधी की इस तरीके की टीम हुआ करती थी, लेकिन बीच में ये सब सारी चीजें मिट चुकी थी। वही मोदी जी और मोदी जी की टीम कर रही है और ये अच्छी बात है कि पार्टी को यदि मजबूत करने का प्रयास करेंगे, हर समय यदि कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, जनता की सुनेंगे, समझेंगे, वो चीजें सब निकल के आएंगी, वही जीतने का गुरु मंत्र होती है। यदि जनता से आप दूर हट जाएंगे सत्ता पाने के बाद तो फिर वो हार का कारण बनती है। और ये बीजेपी में एक अच्छी बात है कि जीतने के बावजूद भी ये जनता के बीच हर वक्त रहते हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, मतलब थकने वाले लोगों में से नहीं है। कई जगह मैंने चुनाव के समय में अमित शाह को देखा कि रात को 2-2, 3-3 बजे वो पहुंच रहे हैं, साइबर जिनके सेंटर बने हुए थे 2-3 जगह तो मुझे ही मिलेगा रात को 2 बजे के आसपास, जहां इनका साइबर का काम होता है, जहां सोशल मीडिया का काम होता है, वहां 2-3 बजे पहुंचे। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों में से हैं ये और ये करना होगा, ये जरूरत है। पहले राजनीति अलग होती थी, अब तो सोशल मीडिया पे आपकी 1-1, 2-2 मिनट की परफॉर्मेंस आती है, तत्काल प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं,
तो वो अब बड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है। और आपकी समीक्षा भी अब जनता सोशल मीडिया के माध्यम से करती है, यदि आप पीछे जाएंगे या तो आप जनता से दूर हटने का प्रयास भी करेंगे या सत्ता भोगने का प्रयास आप करेंगे तो जनता में आप देखिए आलोचना तुरंत शुरू हो जाती है। बीजेपी की भी होती है कई कई मुद्दों पर, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात है कि हम लोग अच्छा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो जनता के बीच रहना बहुत नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, जनता के बीच रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी बात है कि इस तरह के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शबनम जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि ठीक है आपने सदस्यता अभियान पहले भी चलाया, अब भी चला रहे हैं, लेकिन इसके बजाय एक प्राथमिकता जो है वो डिसिप्लिन को भी देनी चाहिए थी, अनुशासन को भी देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते तो हैं कि पार्टी से तमाम जो नेता हैं उनकी नाराजगी है, चाहे बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की करें या फिर आकाश विजयवर्गीय की करें या फिर बात करें गिरिराज सिंह की, जो कि इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं लगता है कि अनुशासन पर भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की? देखिए नेहा जी, अनुशासन पे कार्रवाई अगर ये नहीं है तो ये बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि देखिए कोई देश का प्रधानमंत्री अपने संगठन में होने वाले इस तरह के बातों को टिप्पणी करता है प्रधानमंत्री पद पे रह के। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले इस तरीके का किसी पार्टी में अगर किसी कार्यकर्ता ने किसी नेता ने किया हो और प्रधानमंत्री पद पे रह के कोई किसी प्रधानमंत्री ने इस पे अपनी आपत्ति व्यक्त की हो। तो ये सीधा सीधा संदेश प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी में दिया है कि इस तरीके का अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां तक विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय का है, उसको शो कॉज नोटिस गया है, अब वो अपना जवाब देंगे, उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। नहीं, वो ये तो ठंडे बस्ते में डालने वाली बात हो गई ना। देखिए शबनम जी, ये तो ठंडे बस्ते में डालने वाली बात हो गई। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कार्रवाई करने की बात करते हैं चुनावों को शांत कराने के लिए और वो मुद्दा दोबारा ना उछले, उसके लिए आपने अनुशासन समिति को ये रिपोर्ट पूरी भेजने की बात की। जवाब देने की क्या बात है, वीडियो आया, कोर्ट ने मंजूर किया, आप लोग जेल गए और प्रधानमंत्री की अपील के बाद प्रधानमंत्री ने संसदीय कमेटी में या मीटिंग में ये कहा ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। और आज चौथा पांचवा दिन है, यदि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के कोई सुन रहा है संगठन में। दूसरी बात, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर कहा कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, आज ये कार्रवाई आप बताइए उस पर हुई हो। मॉब लिंचिंग को लेकर के उन्होंने कई बार कहा, हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग में उन पर कमांड नहीं है लोगों पर, लेकिन अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में यदि पीएम मोदी कह रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो दिखावा है, सिर्फ दिखावे की बात कर रहे हैं वो। शबनम जी देखिए, नेहा जी, प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए और कोई अगर किसी गलत काम को करता है, कड़े संदेश अगर प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचे तक देते हैं और वो अपनी सफाई के साथ साथ माफी भी मांगते और दोबारा उसको नहीं दोहराने का करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि शाम का बोला अगर सुबह घर लौटता है तो उसे घर में जगह देना ही चाहिए। तो निश्चित तौर पे प्रज्ञा जी ने भी इस चीज की माफी मांगी और कहा है कि दोबारा इस तरीके की गलती नहीं होगी। इस बात पर उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बख्शा गया होगा। तो ऐसा नहीं है, अनुशासन में रहने की बार बार प्रधानमंत्री जी लोगों को बोलते रहे हैं और ये संदेश नीचे तक जाता है। यानी कि मान लेना शबनम जी की मोदी जी ने माफ कर दिया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। देखिए इससे पहले के और अन्य पार्टियों का भी देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी रही हो या कुछ, आए दिन गुंडागर्दी करते थे और किसी को एक बार कुछ बोलते भी नहीं थे मुख्यमंत्री या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कोई कार्रवाई या कोई वार्निंग लेटर ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पर हमारी पार्टी में अनुशासन पूरी तरीके से है। मान ले कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ कर दिया है मोदी ने, देखिए ये मैं नहीं बता सकती कि अभी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उनसे जवाब मांगा गया था, जवाब मांगने के बाद क्या कार्रवाई होगी ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये तो जब कार्रवाई होगी तब आप लोग सभी के सामने आएगा। ठीक है, मुकुल उनियाल जी, जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये समाज के लिहाज से किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी बहुत दूर की सोचती है और जब जहाँ जहाँ बीजेपी वहाँ की सोचती है, जहाँ सोचना लोग बंद कर देती है और पार्टियाँ,
तो बीजेपी वहां से सोचना शुरू करती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये अपना जो जनाधार बढ़ाने के लिए है पूरा का पूरा, जो पिछले 5 साल से लगातार चल रहा है बीजेपी, और जो उसके उनको सकारात्मक परिणाम भी देखने को आए हैं, सकारात्मक परिणाम आए हैं पूरे के पूरे भारत में पूरे के, और उसी का आउटकम है कि ये पूरा 2019 में इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, और यही आगे अगला उन्होंने यही अगला स्टेप जो लिया है कि 20 करोड़ इन्होंने जो है आज से सदस्य अभियान शुरू किया है, ये इनको आगे आके काफी आगे ले जाने की पार्टी को, और जो पूरे उसको उनका जनाधार बढ़ाने की प्रयास है। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे गोविंद पंत राजू जी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, आज से इसकी शुरुआत हुई है, बीजेपी इससे पहले भी सदस्यता अभियान चला चुकी है, काफी सदस्यता अभियान के जरिए लोगों को जोड़ भी चुकी है, और ऐसे में अब 20 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी एक तीर से दो निशाने कर रही है? नहीं नेहा, इसमें एक तीर से दो निशाने जैसी बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे सही जगह पर निशाना लगाने की कोशिश है। और बीजेपी ने सदस्यता अभियान से वो 20 करोड़ सदस्य बनाएगी, यानी कि लगभग एक चौथाई जो वोटर हैं वो बीजेपी के सदस्य हो जाएं, अगर इस तरह का कोई उसकी योजना है, तो इसको कोई बहुत नई योजना नहीं कहा जा सकता। जब 11 करोड़ बनाने की बात थी, जब दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा बीजेपी ने किया था, तब भी इसी तरह का प्रयास था। और अगर हाल के वर्षों में देखें हम, कम से कम पिछले 5-7 सालों में, तो बीजेपी ने लगातार बहुत वैज्ञानिक ढंग से अपने जनाधार को बढ़ाने, अपनी चुनावी जो संगठन है उसको तैयार करने में बहुत वैज्ञानिक ढंग से काम किया है। जब सबसे पहली बार जब पन्ना प्रमुख जिस तरह की जब चर्चा हुई थी, तो लोगों को बहुत अटपटी सी बात लगी थी कि क्या ऐसा कोई व्यवहारिक तौर पर ऐसा कोई काम संभव है, लेकिन बीजेपी ने उसको करके दिखाया, और हर जो पोलिंग बूथ है वहां तक अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाने में बीजेपी सफल रही। और आज बीजेपी का अगर शीर्ष नेतृत्व तो ये जानता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके पीछे देश की जनता का बहुत बड़े हिस्से का आज बहुत अटूट विश्वास उनके पीछे है, तो अगर इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी पार्टी के संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है और जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है, तो ये किसी भी व्यवहारिक तरह से चलने वाले राजनीतिक संगठन के लिए एक आदर्श बात है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो हमारा भारत का जो चुनावी तंत्र है, जो चुनाव का जो जिस जो हमारा तरीका है, उसमें अपने को मजबूती से स्थापित करने के लिए एक बहुत व्यवहारिक किस्म का कदम है। आप तुलना कांग्रेस के साथ करिए, कांग्रेस के पास आज जो प्राथमिक सदस्यता जिन लोगों की है, ऐसे लोग जो वाकई में जमीनी स्तर पर है उनकी संख्या कितनी है, कांग्रेस उसके लिए कितनी गंभीर है, कांग्रेस कितना प्रयास कर रही है, या बीएसपी जैसी पार्टियां या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जो बहुत अपने को मास बेस की पार्टियां कहती हैं, उनका भी अगर आप देखिए तो मतदाताओं के बीच में पकड़ बनाने का कोई व्यवहारिक प्रयास नहीं है, कोई कदम नहीं है। एक चुनाव आता है, अचानक कुछ नेता जमा होने लगते हैं, नारे उछलते हैं और राजनीतिक पार्टी जमीन पर दिखाई देती है। और इसीलिए चुनाव में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, बहुत हवाई बातें की थी दोनों नेताओं ने, वोट बरस रहे हैं और बारिश हो गई है वोटों की, और तमाम तरह की चीज सबने दावे किए थे, जमीनी हकीकत जब आई तो चीजें सामने आई कि कैडर न होने की वजह से, कैडर बेस पॉलिटिक्स न होने की वजह से आप ऊपर नेता जमा होते रहे, जमीन में अगर कुछ नहीं है तो राजनीति कैसे होगी, चुनाव के नतीजों ने उसको बताया, और ये कांग्रेस के साथ भी लगातार हम चीजों को देख रहे हैं। तो बीजेपी अगर इससे सबक लेकर अपने को एक मजबूत राजनीतिक संगठन के तौर पर विकसित कर रही है, और आज वो सत्ता में है, अभी कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं, फिर विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, तो अगर उस दृष्टिकोण से अपनी मशीनरी में बिना कार्यकर्ताओं के कोई राजनीतिक दल नहीं चल सकता, और अगर
कार्यकर्ताओं के स्तर तक अपने को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक व्यवहारिक बात है। लेकिन जो आपने अभी यहाँ पर प्रसंग उठाया था कि अनुशासन की भी बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अनुशासन के मुद्दे पर बीजेपी को बहुत गंभीरता से चीजों को लेना चाहिए। जी। जिन दो उदाहरणों की बात मध्य प्रदेश की आई थी, उनके बाद प्रधानमंत्री का जितना सख्त रवैया था, उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के एक विधायक के जो साथी हैं, विधायक के सांसद के जो साथी हैं, वो एक टोल नाके पे गुंडागर्दी करते हैं, बंदूकें निकालते हैं, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रधानमंत्री की सारी सदिच्छाओं के बावजूद, प्रधानमंत्री के सारे निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर चीजों का असर नहीं हो रहा है, और ये बीजेपी के लिए एक गंभीर चुनौती है। अभी जेपी नड्डा यहाँ आए, कल उन्होंने प्रवचन दिया, सबको समझाया कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, राजनेताओं को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि एक सांसद के साथ की टीम खुलेआम गुंडागर्दी करती है और कहीं कोई उस पर प्रतिरोध नहीं दिखाई देता, तो ये कहीं कहीं एक बड़ी चिंता है। और अगर इस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भले ही 30 करोड़ बना ले, लेकिन जनता उनको खारिज करेगी और लंबी राजनीति बीजेपी के लिए संभव नहीं होगी। बिल्कुल। शबनम जी, क्या वजह मानी जाए कि प्रधानमंत्री सख्त होते हुए भी, प्रधानमंत्री इतने सख्त रवैये के साथ इन सब चीजों को लेते हैं या फिर सख्त रुख अख्तियार करते हैं, बावजूद इसके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो समझने को तैयार नहीं है? देखिए नेहा जी, ऐसी बात नहीं है, इतने बड़े देश में और इतने बड़ी पार्टी में इक्का दुक्का ऐसा मामला आता है, लेकिन उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती है कि जो भी ऐसा करते हो। कल हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, उन्होंने भी बड़े सख्त संदेश दिए हैं कि किसी से भी ऐसे अनुशासनहीनता की उम्मीद नहीं की जाती है और सभी को अनुशासन में रहने का उन्होंने किस किस मामले की आप बात कर रहे हैं शबनम जी? कहां पर आपकी तरफ से कार्रवाई हुई है मुझे ये बता दीजिए, कहां पर सख्त कदम आप लोगों की तरफ से उठाया गया है? सिर्फ बातों के तीर छोड़े जाते हैं, क्या कदम भी उठाने की बात करती है बीजेपी? नहीं, देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में सांसद के उम्मीदवार थे, वो उनके टिकट काट दिया गया इस तरीके की जूते और इससे लड़ाई होने के बाद, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत होती है। निश्चित तौर पे जिसने भी इस तरीके का काम किया उसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है, वो अपना पक्ष रखता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो वो स्पष्टीकरण जरूर मांगा गया होगा और उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ से सदस्यता अभियान पे भी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आज जिस तरीके से, जैसा हम उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं, अन्य बहुत सी पार्टियां हैं जो केवल हाई लेवल तक ही काम करती है और नीचे कार्यकर्ता आज अपने को बहुत इग्नोर सा फील करते हैं, और वो एक सामाजिक लोग होते हैं और एक राजनीतिक दृष्टि रखते हैं, आज उनके लिए वैक्यूम सा है धरातल पे। और वो निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करती है, तो वो भी उस मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। तो आज जब हमारा सदस्यता अभियान चलेगा तो ऐसे बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं जो ये समझते हैं, हमारी विचारधारा को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये सदस्यता अभियान हमारी सदस्यता ही नहीं बढ़ाती है, बहुत हद तक जो धरातल पे लोग हैं, जो क्षेत्र में लोग हैं, उनको हमसे कनेक्ट भी करती है। जब हम 20 लोगों की सदस्य मान लीजिए हम बनाते हैं, तो वो 20 लोगों की समस्याएं, उनकी विचार, उन सब को पार्टी तक उस सदस्य को पहुंचाने का मौका मिलता है और उस सबको पार्टी को समझने का मौका मिलता है शीर्ष तक। तो सदस्यता अभियान हमारे लिए दोनों तरीके से मजबूती के लिए होता है, एक पार्टी में के संगठन को मजबूत करना और दूसरा धरातल की सभी चीजों को अपने शीर्ष नेताओं तक पहुंचाना। बिल्कुल, पार्टी के संगठन को तो मजबूत करता ही है सदस्यता अभियान, लेकिन
बीजेपी के वोटों को भी मजबूत करता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक बार फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जो कि अगस्त तक चलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए अपने सदस्यों की संख्या 9 करोड़ का इजाफा कर 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करना चाहती है, और उसी की जुगत में बीजेपी जुट गई है। और इस पर हम खास चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप हमें बताइए, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2014 में चुनाव जीतने के बाद भी सदस्यता अभियान चलाया था और 11 करोड़ एक सदस्य अभियान के तहत टारगेट भी रखा था, उसे अचीव कर लिया था। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि उसका तो फायदा मिल गया 2019 के चुनाव में, अब 20 करोड़ करने का जो एक टारगेट रखा गया है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो बीजेपी है मिशन 50% पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नेहा, आपने ठीक कहा। और कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश भी है, उसमें 50% के आसपास तो इनको वोट मिल ही गए हैं। दूसरा, पूर्वोत्तर की या दक्षिण की बात करेंगे, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत बीजेपी को आ रही है। पश्चिम बंगाल है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो जो 4-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, अधिकतर सदस्यता का अभियान वहाँ ज़्यादा फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश में इसलिए है कि यहाँ थोड़े से उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये दो ऐसा नहीं है कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करने लगती है। अब इलेक्शन इनकी इसके हिसाब से 2024 की तैयारी हो रही है कि 2024 तक हमको कौन से टारगेट रखने हैं। और सारे विधायकों को, जिलाध्यक्षों को नीचे से लेकर के, जिस तरीके से बताया कि पन्ना प्रमुख तक, अब पन्ना प्रमुख के अलावा इनके साइबर योद्धा भी हो गए थे उसमें, कि एक एक बूथ पर दो दो साइबर योद्धा बनाए थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी संगठन, कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी का ऐसा संगठन था उत्तर प्रदेश की बात करें तो, वो बीजेपी को टक्कर दे रहा था, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का संगठन भी बहुत पीछे छूट गया जब से इन्होंने एक बूथ पर साइबर योद्धा और पन्ना प्रमुख तक बना डाले। तो ये एक पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि यदि पार्टी को आगे तक ले जाना है, और कभी थकने जैसी बात नहीं करनी है कि नहीं हमारा टारगेट पूरा हो गया। कभी भी किसी राजनीतिक प्रदर्शन का कभी टारगेट पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर इलेक्शन है, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे। जैसे 3 राज्यों में चुनाव हारे फिर उसके बाद जीत हुई, तो ऐसा नहीं है कि आप जीतते जाएंगे, कहीं हार भी सकते हैं आप। तो ये, और अमित शाह उन लोगों में से नहीं है कि हारने वालों में से नहीं है। लेकिन यहाँ शबनम पांडे जी ने जो अभी कुछ देर पहले कहा कि कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, इतना बड़ा देश है, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानने तैयार नहीं हूँ। ये शबनम जी से मैं कहूँगा कि अभी जो गोविंद पंत राजू ने कहा, सांसद जी का जो दिया, वो छोटे मोटे नहीं है, SC/ST आयोग के चेयरमैन है। और जिस स्टेट में JP नड्डा जैसे लोग उस समय प्रशिक्षण दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं किस तरीके का काम करना है, कैसे काम करना है, उस समय ये घटना होती है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा MLA ने इंजीनियर को कीचड़ से पूरे को नहलाया है, वो वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश में देखा होगा CMO को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। तो ये वो दृश्य हैं जो कैमरे में कैद हो गए हैं। बहुत सैकड़ों दृश्य ऐसे हैं जो कैमरों में कैद नहीं हुए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। और मोदी जी के अपील करने के बाद क्या नोटिस दिया जाएगा? सारी चीजें मीडिया के परिदृश्य से मोदी जी ने देखी हैं, सारे वीडियो हैं। और जेल में जो बंदा गया उस पर आपने ये कह दिया कि नोटिस दिया गया है, वो जवाब मांगेंगे, इसमें है ही नहीं। ये नोटिस वाली बात थी तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को यह बयान देना चाहिए था। मोदी जी ने बड़ा नाराजगी प्रकट की थी, चेहरा उस समय बड़ा तमतमा रहा था कि नहीं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितने बड़े बाप के बेटे हों। उसके बावजूद भी 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से कि आप मोदी जी कहना कुछ चाहते हैं और आपकी पार्टी करना कुछ और चाह रही है। आप बताओ, SC/ST आयोग के चेयरमैन, एक बस के ऊपर लड़ाई हुई, बस में तमाम लोग थे, बस को कहां SC/ST आयोग के चेयरमैन ले जाना चाह रहे थे, पूरी बस भरी हुई थी। उन्होंने कहा यह भी हमारी बस है, मतलब जो वाहन निकल रहे थे, आपके 8-10 गाड़ियां थी, उसके अलावा आपने एक बस को निकलवाने का प्रयास किया। और उस पर जब टोल टैक्स वालों ने नहीं माना तो आपने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद मारपीट भी सारी कैमरे में कैद है। अब कैमरे में कैद हो जाने के बावजूद भी बीजेपी के हम स्पष्टीकरण मांगेंगे, तो स्पष्टीकरण की कहां गुंजाइश रह जाती है? भले ही कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन शबनम पांडे जी को लगता है कि कार्रवाई हुई है और बीजेपी बिल्कुल सही तरीके से कार्रवाई कर रही है। खैर, हम बात क्योंकि सदस्यता अभियान की कर रहे हैं, तो यहां पर आपसे जानना चाहेंगे हम, रविंद्र जी, अगर बात सदस्यता अभियान की करें, जैसे कि सुनील जी बता रहे थे अभी कि अमित शाह को दक्षिण में भेजा गया, तेलंगाना से वो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्या दक्षिण पर इसीलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी कमजोर है, इसलिए राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को वहां की कमान सौंपी गई है? बिल्कुल नेहा जी, देखिए, बीजेपी का या कहे अमित शाह जी का, उनका सोच जो है वो दूरदृष्टि वाला है। उन लोगों को देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सदस्यता अभियान बहुत अनिवार्य है। जब तक कोई मेंबर नहीं होंगे, कार्यकर्ता नहीं होंगे, तो पार्टी नहीं होगी। आप देखिए, मैंने बताया कांग्रेस की हालत क्या है। आज किसी जमाने में वामपंथी दल
तीन तीन चार चार राज्यों में उनकी सरकारें हुआ करती थी और लोकसभा में 40 से 50 सदस्य वामपंथी दलों को हुआ करते थे। आज वो दहाई का आंकड़ा इकाई में आ गया है, तो वो इसीलिए है कि उन लोगों ने कभी ना तो मेंबरशिप का कोई अभियान चलाया, ना उन्होंने सोचा कि हमें कार्यकर्ता जोड़ने हैं, अपने से लोगों को जोड़ना है, जनता को जोड़ना है, ऐसा नहीं किया। तो वामपंथी दल हाशिए पर चले गए और कमोवेश वही स्थिति, कमजोर स्थिति रही कांग्रेस की। आज कांग्रेस की जो हालत है वो इसीलिए है कि आप बूथ स्तर की तो बात छोड़िए, जिला और प्रदेश स्तर पर उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की जो सोच है वो उनकी भविष्य की सोच है, आगे की सोच है, और खास तौर से तेलंगाना, जैसे आज देखिए आज ही जो खबर आ रही है कि कर्नाटका में कई विधायक जो है पार्टी छोड़ने पर तैयार बैठे हैं, तो ये सब चीजें वो हो रही हैं कि उन राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है उन राज्यों पर भी जोर रहे, ताकि आने वाले दिनों में हम उन राज्यों पर भी काबिज हो सकें। तो ये अभियान चलाना कोई गलत बात नहीं है, हर पार्टी को अभियान चलाना चाहिए और बीजेपी इसी सोच के तहत अपना अभियान चला रही है। अभी 20 करोड़ का है, आगे हो सकता है 25 करोड़ का हो जाए। तो उनकी दूरदृष्टि तो है कि हम 24 में भी आए, 24 के बाद आगे भी आए, लगातार आते रहे। तो ये सोच के तहत अगर वो चल रहे हैं और अपना अभियान चला रहे हैं, ठीक है। गोविंद पंत राजू जी, ठीक है, अभियान सही है, हाँ ठीक है। गोविंद पंत राजू जी, अगर जिस तरह से शबनम जी कह रही है कि जनता हमसे जुड़ना चाहती है, सदस्य बनना चाहती है बीजेपी का, इसीलिए सदस्यता अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया है, लेकिन जब आपने नंबर जारी कर दिया कि इस नंबर पर कॉल करके आप सदस्य बन सकते हैं, तो फिर ये घर घर अभियान चलाने की क्या जरूरत है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? अगर आपसे जनता जुड़ना चाहती है तो फिर क्यों नेताओं को टारगेट दिया जाता है कि आप इतने सदस्य बनाए ही बनाए? क्या इसे बीजेपी का वोट बैंक करने की एक रणनीति ना समझी जाए? देखिए नेहा, जो फोन नंबर के जरिए मोबाइल पे मिस कॉल देकर सदस्य बनाने के जो तरीके हैं, उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी भी होती है, बड़े पैमाने पर जो फेक मेंबरशिप का भी काम होता है जी। तो इसको इस बात को पक्का करने के लिए कि जो भी सदस्य बने वो निश्चित तौर पर उसकी एक आइडेंटिटी क्लियर हो, उसकी पहचान अपने जो भी जिसको जिम्मेदारी मिली है उससे व्यक्तिगत स्तर पर उसका उसकी जो उसका होना जो है ये सुनिश्चित किया जाए कि ये कोई फर्जी मतदाता नहीं है, फर्जी पार्टी कार्यकर्ता बनने वाला व्यक्ति नहीं है, खाली संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये इस नाम का व्यक्ति वास्तविक रूप पर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सोच सिर्फ ये है कि जो एक बहुत आसान ये राजनीतिक दलों का तरीका होता था फेक मेंबरशिप का, कि ये 54 सदस्य जिन पार्टियों में पैसा लेकर होता था, तो कुछ लोग अपनी जेब से पैसा भर देते थे, रसीदें कटवा देते थे, और वो व्यक्ति वास्तविकता में पार्टी के सदस्य होते ही नहीं थे, उनसे संपर्क तक नहीं किया गया होता। तो मुझे लगता है शायद इस चीज को रोकने की ये कोशिश होगी कि ये पक्का सुनिश्चित हो कि जो व्यक्ति सदस्य बना है वो वास्तव में सदस्य है और उसकी रुचि है पार्टी के साथ जोड़ने की। क्योंकि देखिए, सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से इसका महत्व तो नहीं है कि आपके अगर 20 करोड़ मतदाता हैं, 30 करोड़ मतदाता कार्यकर्ता आपकी पार्टी के हैं, सिर्फ ये चुनाव में आपको मदद करेंगे, इतने भर से इसका इसकी जरूरत नहीं है। पार्टी को अपने संगठन की जरूरत हर वक्त है, क्योंकि एक तो देश में हर वक्त चुनाव होते रहते हैं, अभी पंचायती स्तर के चुनाव होंगे अनेक राज्यों में, विधानसभाओं के चुनाव होंगे, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, तो लगातार चुनावी प्रक्रिया जो जारी है उसमें आपके पास कैडर होना चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए, और अगर कार्यकर्ता नहीं होंगे तो आप लगातार चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, आपको आंदोलन करना है, प्रतिरोध करना है, अपने नेताओं का बहुत व्यापक समर्थन दिखाना है, उसके लिए भी आपको अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम चाहिए। कांग्रेस की राजनीति का लंबे समय तक सफलता का एकमात्र सूत्र यही था कि कांग्रेस का छोटे से छोटा नेता भी, उसको जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो 100 कार्यकर्ता लेके आएगा, और अगर ऐसे 100 कार्यकर्ता लेके आ गए तो वो संख्या हजारों में हो जाती थी। ये कांग्रेस का काफी लंबे समय तक देश में राजनीतिक सफलता का फॉर्मूला था। तो बीजेपी भी अगर उसी तरह के फॉर्मूले को ज्यादा संशोधित करके, ज्यादा व्यवहारिक बनाकर कार्यकर्ताओं को, ऐसे कार्यकर्ता जो हर वक्त आपकी
विचारधारा से चार्ज हो, हर वक्त जो आपके राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, हर वक्त ग्रास रूट लेवल पर आपके विचारों को, आपके राजनीतिक उद्देश्यों को फैलाने के लिए तैयार हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए ही सुनिश्चित किया गया है, जिम्मेदारी देकर कि यह आपका टारगेट है, यह आपका इलाका है, आपको यहाँ इस तरह से करना है। तो एक बहुत सोची समझी और एक तरह से जिसको कहा जाए कि योजनाबद्ध तरीका बीजेपी का है, ये खाली संख्या बढ़ा देने के लिए ये मिशन नहीं है, ये जो अभियान है ये अभियान व्यवहारिक तौर पर बीजेपी की सोच को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का एक मुझे लगता है कि प्रयास है। ठीक है मुकुल उनियाल जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि सदस्यता अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है जितनी तर्जी और जितनी तवज्जो इस सदस्यता अभियान को बीजेपी दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, क्या सामाजिक कार्य में को भी उतनी ही तवज्जो के साथ वो आगे बढ़ाते हैं, क्या उतनी ही तरजीह देते हैं? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने अपनी गलतियां की हैं संगठन में लेकर के इतने सालों में, उसी को इसने उन्हीं गलतियों से बीजेपी ने सीखा है और उसी को लेकर के ये अपने सदस्यता अभियान आगे बढ़ाए हैं। और जो बीजेपी का सबसे बड़ा संगठन जो बीजेपी के पीछे खड़ा है, आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो पूरा का पूरा सामाजिक कार्य, सामाजिक जो अपनी उसके लिए जाना जाता है, कहीं पे कोई भी आपदा आए, कहीं पे कोई समस्या है तो आरएसएस के, तो वही एक उनकी जो है सारा का सारा उसको उठ करके बीजेपी में आया है। और बीजेपी का कार्यकर्ता वो जो है वो एकदम से जो व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ फोन कॉल से नहीं, व्यक्तिगत रूप से उसके घर में जाके उससे बातचीत करता है, उससे पूछता है, ये एक बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। जो कई सालों से इसको हमने ऑब्जर्व किया है, इसको अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का उतना नहीं होता है। कांग्रेस में क्या है कि ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता कम हो गया, नेता ज्यादा हो गए हैं वहां पे। ठीक है, तो बीजेपी की, बीजेपी यही सबसे बड़ी जीत है कि, और इसका समाज में इसका फर्क पड़ता ही पड़ता है इसको। बिल्कुल, समाज में इसका फर्क पड़ता है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जैसा कि गोविंद पंत राजू जी कह रहे थे कि इसका सिर्फ वोटों से ही मतलब नहीं है, इसका बीजेपी को कि जो जड़ें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में मजबूत करने से भी इसका तात्पर्य है। तो सवाल ऐसे में ये है कि जो विधानसभा चुनाव चार राज्यों में होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, इस सदस्यता अभियान का उन पर क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल सदस्यता अभियान का फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और जब मीडिया ने ये कहना शुरू किया कि गठबंधन भारी पड़ेगा, तो अमित शाह ने बड़ा सहर स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अब हमारा टारगेट 50% से ऊपर वोट पाने का है और हम उसके लिए मेहनत करेंगे, और वो उन्होंने अचीव भी किया। इस बात को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी समझती, वो भी मीडिया की बात समझने का प्रयास करती, जब उन्होंने मीडिया ने ये कहना स्टार्ट किया कि इनका वोट डाइवर्ट नहीं हो रहा है, एक दूसरे को नहीं मिलने वाला है और कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को बैठ के समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता उसको मानने को तैयार नहीं थे। वो केवल मीडिया पर ये आरोप लगाने लगे कि मीडिया वाले कहीं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और हमको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका खामियाजा उन्होंने भुगता। तो यद मीडिया में कोई बात निकल के आती है या किसी अन्य सूत्रों से बात निकल के आती है तो बीजेपी उस पर सोचती है और करती भी है। जो चार पांच राज्यों की आप बात कर रही हैं वहां पर, वो इतना आसान नहीं है वहां चुनाव, चाहे आप बिहार को लेकर के देख लीजिए, बिहार में स्थिति क्या रही थी इस समय आप देखिए कि जब मंत्रिमंडल में नीतीश की पार्टी को जगह नहीं मिली तो उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ जब बीमारी फैली तो पूरा उन्होंने ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दिया, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी बीजेपी के थे। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या चल रही है ये आप देखने को मिलेगी। तो वो ऐसे नहीं है कि बहुत आसानी से चुनाव जीतने वाली बीजेपी वहां पर है, वहां उनको फिर लड़ना है अच्छे तरीके से। और दो कदम पीछे हटके बीजेपी चार कदम की उछाल, मतलब जिस तरीके से शेर और चीते की होती है उस तरीके से पीछे चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो वही स्थिति बीजेपी इस समय कर रही है कि यदि, और ऐसा नहीं है कि दो लोकसभा के चुनाव की तैयारी वो करेंगे, कहीं जिला पंचायत के चुनाव है, कहीं नगर निगम के चुनाव है, कहीं फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, देखेंगे हर दो साल बाद चुनाव हर स्टेट में है। तो वो कमजोर नहीं करना चाहते, वो कार्यकर्ताओं को आराम से बैठना नहीं चाहते बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं लगे रहो, लगे रहिए आप, और उन पर फर्क भी नहीं पड़ता। आपने देखा 3 राज्यों में हारने के बावजूद भी बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं फिर लड़ेंगे।
तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो बीजेपी की टीम है, और उन्होंने अंतर तक, पन्ना प्रमुख तक, साइबर योद्धा तक, बिल्कुल नीचे स्तर पर, एक पन्ने पे कितने पे वोट होते हैं, 10 से 15-20 वोट होते हैं, 20 वोटों के ऊपर एक व्यक्ति उन्होंने लगा दिया, तो नेहा समझो आप कितनी बड़ी सोच होगी, कंट्रोलर कंट्रोल कितना करेंगे आप। और उसमें जब एक टीम बनाई उन्होंने, उन्हें सारे जातिगत बना दी, ब्राह्मण भी होंगे, एससी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, सारे लोगों के बूथ लेवल पे बना दी। तो आप देखिए कि वो निकल, वो किसी भी जाति धर्म को बूथ लेवल पे भी इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं वोट बट ना जाए। तो यही वही उनके जीत का मंत्र है मूल रूप से, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। वह अगर 2024 के अलावा कई राज्यों के चुनावों से भी उनको निपटना होगा। बिल्कुल, चुनावों से तो निपटना होगा, और यही वजह है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी लगी हुई है काम करने के लिए, और अब 20 करोड़ का टारगेट रखा है। रविंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनावों पर इसका असर होगा, पंचायत चुनावों पर होगा, उपचुनाव भी है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर, उस पर भी इसका असर होगा, लेकिन बीजेपी तो पुरजोर कोशिश कर रही है चुनाव जीतने के बाद, क्या नहीं लगता कि और पार्टियों को भी इस ओर सोचने की जरूरत है कि जमीनी स्तर पर पकड़ को मजबूत किया जाए, ताकि वोटों में तो इजाफा हो ही, साथ ही साथ पार्टी की पकड़ भी मजबूत हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने देश को आजादी दिलाई, 130 साल पुरानी पार्टी का हश आज इसीलिए हुआ कि धीरे धीरे वो कार्यकर्ताओं से अलग होती चली गई। अभी जो उनियाल साहब कह रहे थे कि आज वो नेताओं की पार्टी रह गई है, कार्यकर्ता नहीं है, वही स्थिति है वहां पर कि अब पार्टी में नेता तो है, कार्यकर्ता नहीं है, और कोई जमीनी नेता नहीं है। लोग ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं पहले भी मैंने ये बात कही है कि ऐसे नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं जीत सकते, वो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व कर रहे हैं। तो प्रश्न यही है कि कम से कम बीजेपी ने जिस तरीके से आंदोलन शुरू किया है, सदस्यता अभियान चलाया है, तो कम से कम जो पुरानी पार्टियां हैं और पार्टियां हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करें। भाजपा ने कांग्रेस से सीखा, कांग्रेस से सीख के उसने अपना संगठन मजबूत किया, आज बीजेपी एक मजबूती में खड़ी हुई है, उसके पास सबसे बड़ा उसका नेटवर्क है कार्यकर्ताओं का, मेंबरशिप का। तो इसी तरीके से आज उन पार्टियों को जिन्हें कल को इसी भारतीय जनता पार्टी से चुनौती लेना है विभिन्न चुनावों में, तो इन लोगों को सीख लेना चाहिए, और चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, इन सभी को अपना सदस्यता अभियान चलाना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका काडर बूथ स्तर तक जाना चाहिए। ये सोच जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियों के बिना लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी पहरुआ है। तो जनता को जब तक आप अपने से जोड़ेंगे नहीं, किसी पार्टी से जनता जुड़ेगी नहीं, लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक लोकतंत्र की सफलता नहीं होगी। क्योंकि चुनाव में, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, ब्लॉक के चुनाव हो, या अन्य चुनाव हो, सभी चुनावों में मतदाता वही जनता है। जितनी ज्यादा संख्या में आप जनता को अपने से जोड़ेंगे, उतनी आप मजबूत होंगे। इसलिए ऐसा कदम अन्य पार्टियों को भी उठाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर गोविंद पंत राजू जी, बीजेपी ने 3 स्तर पर इसे कैटेगराइज किया है, पहला ए, बी और सी। अगर ए की हम बात करें तो वहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है उन इलाकों में। बी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों की भी उपस्थिति वहां पर है। सी की अगर हम बात करें तो बीजेपी वहां पर बहुत कमजोर है, खास तौर पे मुस्लिम मतदाता वहां पर है या फिर दलित मतदाता वहां पर है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक पुख्ता तरीके से खाका तैयार करके, एक रणनीति के तहत और एक बेहतर रणनीति के तहत इस सदस्यता अभियान को जमीन पर उतारने का काम किया है। बिल्कुल नेहा, बहुत वैज्ञानिक तरीके से बीजेपी ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, अन्यथा अभी चुनाव से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी ने अपना एक सदस्यता अभियान शुरू किया था और कई करोड़ सदस्य बनाने का दावा उसमें किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वो कुछ जिले के नेताओं से नीचे के स्तर तक वो बात कहीं पहुंची ही नहीं। बीजेपी अगर कर रही है तो वो बिल्कुल जैसे ग्रास रूट लेवल पर, जहां तक कार्यकर्ता की जरूरत है, जहां तक बीजेपी का संदेश पहुंचने की जरूरत है, उस स्तर तक अपनी मशीनरी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और अगर वो अलग अलग इलाकों के हिसाब से अपने कार्यक्षेत्र को बांटने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे भी रणनीति होगी कि जिन इलाकों में वो बहुत मजबूत है वहां थोड़ी कम मेहनत की जाएगी, जिन इलाकों में थोड़ा कम मजबूत है वहां थोड़ी ज्यादा मेहनत की जाएगी,
और जहां सबसे कम मजबूत है वहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाएगी, और अगर मेहनत की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका असर होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार जो संसदीय चुनाव में जो नतीजे आए हैं उन्होंने दिखाया है कि कोशिश करने पर राजनीतिक सफलताएं हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। और एक जो प्रधानमंत्री ने आज अपनी वाराणसी के दौरे में जो संबोधन किया, उस संबोधन में देश के अर्थव्यवस्था से जुड़े जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने एक बात कही कि ये न्यू इंडिया है, इस न्यू इंडिया को दौड़ना पड़ेगा और ये दौड़ेगा तो तभी ये अपने लक्ष्यों तक सफल होगा। मुझे लगता है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी इसी भावना से काम करना चाहती है, इसी भावना से कार्यकर्ताओं को देखना चाहती है कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। इसके लिए हाथ पर हाथ धर के बैठने से काम नहीं चलेगा। हर सदस्य को, चाहे वो किसी स्तर का हो, नीचे से निचले स्तर का भी वो अगर कार्यकर्ता है, उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही भागादौड़ी करनी पड़ेगी, तभी पार्टी आगे जाएगी, तभी पार्टी एक के बाद एक चुनाव और 50 साल तक उस देश में बीजेपी का जो सपना देख रही है उस सपने को कहीं आगे ले जाने में सफल हो सकेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम की जो योजना बनाई गई है उसका बहुत वैज्ञानिक आधार है, सोच समझ कर बनाई गई है और आंकड़ों और जमीनी परिस्थिति के साथ तालमेल करके बनाई गई है। जी बिल्कुल, तो सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया गया है, पूरा इसका खाका तैयार किया गया है, उसके बाद इस पूरी योजना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने सदस्यता अभियान चला रखा है, इससे पहले भी उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था, तब 11 करोड़ सदस्य बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे और अब उस सदस्यों को बढ़ाकर 20 करोड़ करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। हालांकि ये लक्ष्य से पार पाना या फिर यूं कहे कि उसे अचीव करना कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए, ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर 20 करोड़ सदस्य बीजेपी बना भी पाती है या फिर नहीं। और जाहिर तौर पे इसे बीजेपी अपने वोट बैंक को तो मजबूत करेगी, साथ ही साथ अपनी जड़ें भी मजबूत करने का काम बीजेपी कर रही है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।